रीवा से होकर मुंबई के सीएसटी स्टेशन के लिए रवाना हुई ट्रेन। रीवा शहर की बहुप्रतीक्षित मांग पूरी होने से नगरवासी प्रसन्न। रीवा से यह ट्रेन शाम 4 बजे चलेगी। सीएसटी स्टेशन पहुंचेगी दूसरे दिन दोपहर 12:20 पर। देखिए हमारी यह खास रिपोर्ट। रीवा की बहुप्रतीक्षित मांग पूरी कर दी है रेलवे ने। यह खबर रेल यात्रियों के लिए खुशखबरी लेकर आई है। गर्मी की छुट्टियों में यात्रियों के सफ़र को आसान करने की मंशा से रेल प्रशासन ने रीवा मुंबई रूट का एक नई स्पेशल ट्रेन 28 अप्रैल दिन गुरुवार से चला दी है। यह साप्ताहिक ट्रेन सतना, मैहर, कटनी, जबलपुर, नरसिंहपुर, गाडरवारा, पिपरिया, इटारसी, हरदा, खंडवा, भुसावल, मनमाड़, नासिक, कल्याण एवं दादर स्टेशन से रुकते हुए दूसरे दिन सीएसटी पहुंचेगी। आज से चलने वाली यह ट्रेन फिलहाल हफ्ते में एक दिन चलेगी, लेकिन इसके नियमित होने की संभावना काफ़ी है, जिसके लिए पूरा राजनीतिक अमला जोर शोर से लगा हुआ है। हम आपको बता दें, रीवा जबलपुर मुंबई रूट पर एक नई समर स्पेशल ट्रेन 28 अप्रैल दिन गुरुवार से रीवा से प्रारंभ हो गई है, जिसको हरी झंडी दिखाई रीवा सांसद जनार्दन मिश्रा और पूर्व मंत्री राजेंद्र शुक्ला ने। इसकी बुकिंग 26 अप्रैल सुबह 8 बजे से प्रारंभ कर दी गई थी। रेलवे प्रशासन द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार रीवा से मुंबई के बीच साप्ताहिक स्पेशल ट्रेन नंबर 02187 का संचालन प्रत्येक गुरुवार को होगा। यह ट्रेन पश्चिम मध्य रेल की रीवा स्टेशन से प्रारंभ होकर जबलपुर इटारसी होते हुए मुंबई के सीएसटी पहुंचेगी। खास बात यह है कि इस समर स्पेशल में कुल 844 बर्थ की सुविधा होगी। गाड़ी संख्या 02187 रीवा से सीएसटी साप्ताहिक सुपरफास्ट समर स्पेशल ट्रेन प्रत्येक गुरुवार 28 अप्रैल से 30 जून तक रीवा स्टेशन से शाम 4 बजे प्रारंभ होकर शाम 7:40 जबलपुर तथा अगले दिन 12:20 पर सीएसटी पहुंचेगी। रीवा से जाने वाली और मुंबई से आने वालों के लिए यह गाड़ी वरदान साबित होगी। मुंबई से वापसी में गाड़ी संख्या 02188 इस माह की 29 तारीख से 1 जुलाई तक प्रत्येक शुक्रवार को छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनल स्टेशन से दोपहर 1:30 प्रारंभ होगी। अगले दिन सुबह 5 बजे जबलपुर तथा 8:55 पर रीवा स्टेशन पहुंचेगी। यह ट्रेन सतना, मैहर, कटनी, जबलपुर, नरसिंह, गाड़रवाड़ा, पिपरिया, इटारसी, हरदा, खंडवा, भुसावल, मनमाड़, नासिक, कल्याण एवं दादर में रुकेगी। माना जा सकता है रीवा से मुंबई का सफ़र अब काफ़ी आसान हो जाएगा। जिस तरीके से इस ट्रेन को चलाने की तैयारी की गई और इसको जिस तरीके से अपने पहले दिन काफ़ी सवारी मिली, उसको देखकर साफ तौर से माना जा सकता है हफ्ते में एक दिन चलने वाली यह ट्रेन निकट भविष्य में प्रतिदिन चलने वाली लगेगी। हालांकि इस ट्रेन को चलाने के लिए रीवा के राजनीतिक गलियारों में काफ़ी ज़ोर शोर से दम लगाया गया था, लेकिन किसी न किसी वजह से यह ट्रेन नहीं चल पा रही थी। आज चलने दे सभी ने काफ़ी राहत की सांस ली है। रीवा से मुंबई ट्रेन कभी चल सकती है क्या? लेकिन जहाँ पर चाह होती है वहाँ पर राह को निकालना पड़ता है। हम लोगों को बड़ी खुशी होती थी जब रेलवे मंत्री से हर 7 दिन में जनार्दन जी उनके दफ्तर में खड़े रहते थे लेके आवेदन कि अब ट्रेन तो चलाना पड़ेगा। उनको बड़ी सफलता मिली है। ये अभी तो जून के महीने तक चलेगी और आप लोगों के माध्यम से मेरा रीवा के लोगों से, सीधी के लोगों से आग्रह है, जिनके डिमांड पर, जनता की डिमांड पर ये रेल शुरू हुई है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा इस ट्रेन से यात्रा करें। और वह आपको बताते हुए खुशी हो रही है कि आज ये आधा जो इस रीवा का जो कोटा है वो आधा पूरा हुआ है और मुंबई से जो ट्रेन वापस आने वाली है उसमें वेटिंग लिस्ट है। तो इससे मुझे पूरा भरोसा है कि ये ट्रेन हमारी रेगुलर हो जाएगी। और इसके लिए रीवा की जनता, जिनने उन्हें नरेंद्र मोदी जी के ऊपर विश्वास करके लोकसभा में भाजपा को जिताया, और हमारे सारे नेतागण, हमारे राजेंद्र शुक्ला जी, पंचूलाल जी और जो भी जितने भी जनप्रतिनिधि हैं, सारे लोगों के संयुक्त प्रकाश से ये सब सफलताएं रीवा को मिल रही हैं।